हेलो एवरीवन, हम लोगों ने ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट के टॉपिक के अंदर सेक्शन 238 से 243 तक कवर कर लिया था। हमने बताया नहीं था कि इसको हम लोग कई पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट क्या था कि ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मैजिस्ट्रेट इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। अगर कोई वारंट केस जो है जो पुलिस रिपोर्ट से शुरू हुआ है उसका जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 238 से लेके 243 के बीच में है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया इससे पहले की वीडियो में। अब हम लोग कवर करेंगे कि अगर कोई केस जो है वो इंस्टीट्यूट होता है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट के अलावा अगर और दूसरे तरीके से अगर केस इंस्टीट्यूट होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वारंट केस के अंदर। ये शुरू होता है सेक्शन 244 से। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 244, और इस सेक्शन 244 पे जाने से पहले सबसे पहले हम एक केस के बारे में बता देते हैं कि जब हम उसके अंदर पढ़ा रहे थे इसी वारंट केस बाय मैजिस्ट्रेट के अंदर जो पुलिस रिपोर्ट्स इंस्टीट्यूट होता है, तो उसके अंदर सेक्शन 239-240 जहां पे हमने ये बताया था कि मैजिस्ट्रेट उसके अंदर जो है अक्यूज को जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस देखता है, जब उसको लगता है कि कोई केस नहीं बन रहा है तो वो अक्यूज को डिस्चार्ज कर देता है। पर डिस्चार्ज करने के लिए उसको रीजन लिखना पड़ता है, और अगर वो चार्ज फ्रेम करता है लेकिन अगर वो चार्ज लिखता है उसको लग रहा है केस बन रहा है तो उसको वहां पर रीजन लिखना अनिवार्य नहीं है, रीजन लिखना जरूरी नहीं है। एक केस था, ये केस था, इस केस को ध्यान में रखिएगा, चाहे लिख सकते हैं आप, कांति भद्रा शाह वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट। नाम है केस का कांति भद्रा शाह वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट। कांति भद्रा शाह वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये केस था 2000 का सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस के अंदर ये चीज बोला गया था, हालांकि और भी कई केसेस में बोला गया लेकिन इस केस को अगर आप आंसर लिखते हैं तो उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, अच्छा केस है ये। तो अब उसके बाद शुरू होता है सेक्शन 244। सेक्शन 244 कहता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब हम लोगों ने सेक्शन जब ये वाला चैप्टर में इस चैप्टर में वो वाला टॉपिक कवर कर रहे थे कि अगर केस जो है वारंट केस इंस्टीट्यूट होता है पुलिस रिपोर्ट से, तो उसके अंदर हम लोगों ने सेक्शन 238 के अंदर सबसे पहले क्या कवर किया था कि मैजिस्ट्रेट जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा इस बात के लिए कि क्या धारा 207 का पालन हो रहा है। इस बात के लिए वहां पे धारा 207 का पालन हो रहा था क्योंकि केस जो है पुलिस रिपोर्ट से शुरू हुआ था। पुलिस रिपोर्ट से जब केस शुरू हुआ था तो अब वहां पे मजिस्ट्रेट जो है 207 के अंदर यही है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है। पुलिस ने जांच जो करी है, जांच के अंदर जो रिपोर्ट है वो धारा 161 के अंदर जो गवाहों को एग्जामिन किया है और धारा 164 के अंदर का जो बयान है, ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड करवाता है मजिस्ट्रेट। तो अब यहां पे केस पुलिस रिपोर्ट से तो शुरू ही नहीं हो रहा है, तो यहां पास धारा 207 के कोई पालन का कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर भाई कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जाता है, कोई कंप्लेन करता है, मजिस्ट्रेट उस चीज का संज्ञान ले लेता है वहां पास, तो वहां पे कोई पुलिस रिपोर्ट तो है ही नहीं ना, तो वहां पे 207 का पालन होने का कोई सवाल ही नहीं। इसीलिए धारा 244 के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं, यहां पे डायरेक्ट कार्रवाई शुरू। तो धारा 244 क्या कह रही है, कह रहा है कि एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब धारा 244 के अंदर जो होगा मजिस्ट्रेट जो होगा जो अभियोजन पक्ष होगा, जो प्रोसिक्यूशन होगा, प्रोसिक्यूशन को सुनेगा कि भैया आप क्या बात कर रहे हैं, किस बिना पे आप कह रहे हैं कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है, उसका एविडेंस लेगा, उसकी बातें सुनेगा। और अगर वो न्यायालय के अंदर इस बात का आवेदन देता है कि कोई साक्षी को बुलाना चाहता है, प्रोसिक्यूशन कोई विटनेस को बुलाना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट जो है इसके लिए सम्मन भी कर देगा कि उसको बुलाने के लिए विटनेस के लिए कि वो आके अपना कोई गवाही दे वहां पे। तो सेक्शन 244 के अंदर जो है बस इतना ही प्रोवाइड किया गया है। ये कह रहा है व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर अ मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन। मजिस्ट्रेट जो है वो अभियोजन पक्ष को सुनेगा एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, और हर वो साक्ष को देखेगा जो अभियोजन पक्ष के सपोर्ट में है। द मजिस्ट्रेट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इश्यू अ समन, अभियोजन पक्ष के आवेदन के ऊपर जो है वो सम्मन भी कर सकता है विटनेस को, टू एनी ऑफ इट्स विटनेसेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेन और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो अभियोजन पक्ष अगर एप्लीकेशन देता है तो मजिस्ट्रेट जो है गवाहों को सम्मन भी कर सकता है, सम्मन करके बुला सकता है, उनसे गवाह ले सकता है,
तभी तो वो कार्रवाई शुरू करेगा अभी मजिस्ट्रेट को अगर कोई कंप्लेन करता है जाके, क्योंकि ये टॉपिक किस टॉपिक के अंदर आ रहा है कि केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, बिना पुलिस रिपोर्ट के केस शुरू हो गया है, तो पुलिस रिपोर्ट के बगैर अगर केस शुरू हो गया तो मजिस्ट्रेट खुद ही नहीं पता कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अब वो सबको एग्जामिन करेगा, सारे साक्ष्य लेगा, अभी वो चार्ज नहीं फ्रेम कर सकता है, जो अभियुक्त है उसके अगेंस्ट चार्ज नहीं फ्रेम कर सकता है, क्योंकि अभी मजिस्ट्रेट को खुद ही नहीं पता कि अपराध हुआ भी है कि नहीं हुआ है, अपराध बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए तो वो गवाह ले रहा है धारा 244 के अंदर। अब इस धारा 244 का मकसद यही है कि मजिस्ट्रेट इस चीज को समझ पाए कि क्या केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अभी वो चार्ज नहीं फ्रेम कर सकता है। अगर उसने इस 244 के अंदर मजिस्ट्रेट ने एविडेंसेस नहीं लिया, साक्ष्य नहीं लिया है, साक्षियों जो है उन्होंने कोई गवाही नहीं दिया है, उनसे कोई एविडेंस नहीं प्राप्त हुआ है, तो मजिस्ट्रेट जो है उसके अगेंस्ट चार्ज नहीं लिख सकता है। अभी यहां पे एक केस था इससे जुड़ा हुआ, अभी इसको भी आप लिख सकते हैं, केस था गोपाल कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2002 का, गोपाल कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो अभी हमने बात बताई थी इसके अंदर वही चीज बोली गई थी। ट्रायल इन अ वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट डज नॉट स्टार्ट टिल द एविडेंस इज टेकन अंडर सेक्शन 244। और एक चीज इसके अंदर ये बोली गई कि ट्रायल जो होता है वारंट केस के अंदर वो तभी शुरू होता है, वारंट केस के अंदर ट्रायल तभी शुरू होगा जब धारा 244 के अंदर मजिस्ट्रेट जो है एविडेंस ले लेगा, बिना एविडेंस लिए ट्रायल अभी नहीं शुरू हुआ है। अगर वारंट केस में जो केस इंस्टीट्यूट हुआ है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो यहां पे पहले एविडेंस लेगा उसके बाद ट्रायल शुरू होगा, ये इसी केस के अंदर बोला गया, गोपाल कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2000। एक केस और लिख सकते हैं, ये केस है अजय कुमार घोष वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2009 का, अजय कुमार घोष वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2009 का। इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द ट्रायल कोर्ट कुड नॉट स्टेट वे प्रोसीड टू फ्रेम अ चार्ज, ट्रायल कोर्ट जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ा के चार्ज फ्रेम नहीं कर सकती है जब तक धारा 244 के अंदर वो एविडेंसेस ना ले ले, साक्ष्य ना ले ले, ये चीज इसके अंदर बोली गई। फिर धारा 245 का यूज जो होता है उसको हम लोग एकदम आसान शब्दों में समझ लेते हैं, धारा 245 के अंदर दो क्लॉज हैं, इन दोनों क्लॉज में जो मैजिस्ट्रेट जो होता है वो अभियुक्त को डिस्चार्ज करता है, अभियुक्त को डिस्चार्ज करता है इन धारा 245 में। धारा 245 के सब क्लॉज वन के अंदर मजिस्ट्रेट जो है तब डिस्चार्ज करता है अभियुक्त को जब वो 244 के अंदर इससे पहले वाले सेक्शन के अंदर साक्ष्य ले लेता है, एविडेंसेस ले लेता है, देखता है एविडेंसेस, देखने के बाद उसको लगता है कि कोई अपराध नहीं बन रहा, उसको लगता है कि बन नहीं रहा यार ग्राउंड कोई, तो वो क्या करता है, वो अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देता है धारा 245 क्लॉज वन के अंदर। क्लॉज टू के अंदर मजिस्ट्रेट जो है वो तब डिस्चार्ज करता है अभियुक्त को। अब 245 क्लॉज टू जो है इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि मजिस्ट्रेट जो है एविडेंसेस लेने के बाद ही डिस्चार्ज करेगा। सेक्शन 245 सब क्लॉज वन क्या कहता है, सब क्लॉज वन के अंदर मजिस्ट्रेट तभी डिस्चार्ज करेगा जब वो 244 के अंदर जो है एविडेंसेस ले लेगा, उसको वो साक्ष्य देख लेगा, सारे अपना केस दिमाग लगा लेगा। लेकिन 245 सब क्लॉज टू के अंदर मजिस्ट्रेट जो है इससे पहले किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे उसको अगर लगता है कि केस नहीं बन रहा है तो वो डिस्चार्ज कर सकता है किसी भी टाइम पे, यानी 244 से भी पहले। 244 से पहले कब, जब मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट होती है, हम लोगों ने कवर किया सेक्शन 200 से लेकर 204 तक, 204 में इशू प्रोसेस इशू करता है, तो उसके बीच में कहीं पे भी मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस नहीं बन रहा है तो मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर सकता है। जरूरी नहीं है यहां पे, क्योंकि जनरल जो तरीका वो यही है कि मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन जो होता है अभियोजन पक्ष का साक्ष्य लेने के बाद ही डिस्चार्ज करता है, लेकिन ये 245 सब क्लॉज 2 जो है ये इसका उपवाद है, एक्सेप्शन है कि मजिस्ट्रेट इसमें कहीं पे भी अभियुक्त को डिस्चार्ज कर सकता है, लेकिन ये उसका आर्बिट्रेरी पावर नहीं है। मतलब वहां पे वो ज्यूडिशियल माइंड लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो बिना ज्यूडिशियल माइंड लगाए या वो ज्यूडिशियली तरीके से ही उसको डिस्चार्ज करेगा कि हाँ उसको लग रहा है कि कोई प्राइमा फेसाई केस नहीं बन रहा है। तो ये है 245। अब उसके बाद आता है धारा 246। अब धारा 246 के अंदर जो है वही चार्ज फ्रेम किया जाता है, जैसे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो पुलिस वालों के रिपोर्ट पे केस इंस्टीट्यूट हो रहा था, वहां पे भी वही था, अभियोजन पक्ष लिया, उसके बाद जो है केस बन रहा है नहीं बन रहा है तो रिलीज कर दिया, उसको डिस्चार्ज कर दिया, बन रहा है तो चार्ज फ्रेम किया। अब धारा 246 के अंदर जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ केस बन रहा है और वो उसको कंपेटेंट है ट्राई करने के लिए और उसको सजा देने के लिए भी सक्षम है, तो वो क्या करेगा, चार्ज फ्रेम कर देगा।
इसी धारा 246 के सब क्लॉज वन के अंदर। फिर सब सेक्शन टू के अंदर बताया जा रहा है कि उसी चार्ज को अभियुक्त को पढ़ के सुनाया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। एक केस था जिसके अंदर कोर्ट ने जो है एक ट्रायल को जो है सेट असाइड कर दिया गया था, सिर्फ इस वजह से कि मजिस्ट्रेट ने जो चार्ज फ्रेम किया था वो उसको पढ़ के नहीं समझाया गया अभियुक्त को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अभियुक्त से पूछा जाएगा कि क्या तुम गिल्टी प्लीट करते हो, वही सेम प्रोसेस हम लोग जो पढ़ा है, फिर वही चीज चलने लगेगी, गिल्टी प्लीट करते हो कि नहीं करते हो। अगर कहता है गिल्टी प्लीट करते हैं तो मजिस्ट्रेट जो है अपने डिस्क्रिशन के ऊपर जो है उसको सजा सुना देगा। लेकिन कहता है कि मैं ट्राई होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ट्रायल चले, मैं अभियोजन पक्ष का जो आरोप है उसको नहीं एक्सेप्ट करता हूं, मैं चाहता हूं ट्रायल चले, तो फिर ट्रायल चलेगा। फिर जब ट्रायल चला जाएगा तो उससे पूछा जाएगा आगे के क्लॉज जो है, जैसे क्लॉज फोर है, क्लॉज फोर के अंदर पूछा जाएगा उससे कि क्या तुम अभियोजन पक्ष के किसी साक्षी को एग्जामिन करना चाहते हो, क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हो, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर है सेक्शन 137 के अंदर, उससे ये पूछा जाएगा। अब ये मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन के ऊपर नहीं कि उसको मना कर दे कि नहीं नहीं तुम कोई किसी को एग्जामिन करने की कोई जरूरत नहीं, तुम टाइम बर्बाद करने के लिए कर रहे हो। यहां पे नहीं मजिस्ट्रेट कह सकता कि तुम टाइम बर्बाद करने के लिए कर रहे हो, ये तो जब ये अभियुक्त होगा, जब अपने डिफेंस में आ जाएगा। अभी यहां पे ये एक तरीके से उसका अधिकार है, उससे पूछा जाएगा कि क्या अभियोजन पक्ष के किसी साक्षी को क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या करना चाहते हो तो कितनों को करना चाहते हो, कि सारों को करना चाहते हो, ये चीज उससे पूछा जाएगा। फिर ये उसके ऊपर होगा कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, फिर वो चीज करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा। सब क्लॉज फाइव कहता है इफ ही सेज ही डज सो विश The witness named by him shall be recalled. फिर जिन गवाहों का वो नाम लेगा उनको बुलाया जाएगा. And after cross examination and re-examination, if any, they shall be discharged. फिर उसके बाद cross examination और re-examination के बाद उनको discharge कर दिया जाएगा. और मान लीजिए कोई ऐसे भी साक्षी हैं जिनका नाम जो है witnesses की list में नहीं होगा या उसका नाम नहीं खोला गया, तो अगर उस तरीके का भी कोई गवाह बाद में आता है charge frame करने के बाद, तो magistrate उसको इजाजत दे सकता है अभियुक्त को कि तुम उसको cross examine कर लो। ये हम लोगों का टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद आता है फिर, हाँ, सेक्शन 247 है एविडेंस फॉर डिफेंस। फिर इसके अंदर सेम वही प्रक्रिया है पूरी जो हम लोगों ने इससे पहले सेक्शन 243 के अंदर पढ़ी थी, कि जब अभियुक्त जो है अपने डिफेंस में आ जाएगा उससे मांगा जाएगा अपने डिफेंस में तुम क्या क्या जो है साक्ष्य देते हो, अपने डिफेंस में क्या क्या चीज न्यायालय में पेश करना चाहते हो, वही सेम सेक्शन 243 की प्रक्रिया चलेगी जो इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था। इसके बाद आता है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के अंदर एक्विटल होना है, कन्विक्शन होना है। अब इसको अगर हम देखेंगे, अगर इंपॉर्टेंट रहेगा आगे तो हम इसको कवर कर लेंगे दूसरी वीडियो बना के, वरना ये हम लोगों का मेन जो है कई बार पूछा जा चुका है ये यूपीपीसीएसजे के अंदर, एलएलबी में भी बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये पूरा वारंट ट्रायल बता रहा है, पूरा वारंट ट्रायल का प्रोसीजर है, इसको पता होना बहुत जरूरी है कि वारंट ट्रायल का क्या प्रोसीजर होता है। कई बार पूछा जा चुका है कि समन का क्या प्रोसीजर होता है, वारंट ट्रायल का क्या प्रोसीजर होता है। आप यूपीपीसीएसजे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इस क्वेश्चन को कई बार पाएंगे। इसके अंदर है कुछ नहीं ज्यादा, लेकिन पूछा कई बार गया है।